अलकतरा से काली नहीं सड़कें की गई, लेकिन अखिलेश जी गए तो आने वाले लोकसभा से भयभीत होकर के इतना ज्यादा ये परेशान हो गए हैं कि कहीं हमारा वोट बैंक न खसक जाए। लेकिन आने वाले लोकसभा में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बांसगांव, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लालगंज, मऊ, बागी बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, चंदौली, आज मिर्जापुर और सोनभद्र, ये इलाहाबाद, लखनऊ, खनऊ तक इनकी जमीन साफ हो जाएगी बीजेपी। अरे पंडित जी आप क्या बोल रहे, इलाहाबाद प्रयागराज बोलिए, इलाहाबाद जब नाम है तो हम प्रयागराज क्यों बोलने जाएं। अच्छा देवरिया पे आइए, देवरिया की घटना को किस तरीके से लेते हैं? देखिए देवरिया में यादव जी की, प्रेमचंद यादव जी की हत्या उनके परिवार वालों ने नहीं किया है। अगर जो हत्यारा होता तो अपने घर में चुपचाप शांति से बैठा नहीं करता। ये जो है शिकार हुए हैं, क्योंकि जमीन का धंधा करते थे, इनके कई दुश्मन थे, कोई इनके मत्थे शिकार खेल गया और इन लोगों के गलतफहमी के शिकार या जो पंडित परिवार हो गया, दोनों लोग गलतफहमी के शिकार हुए। आप एक तरफा बात कर रहे हैं, ब्राह्मण होके जो है ब्राह्मणों का बचाव कर रहे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर सजा देनी है, 302 का मुजरिम बनाना है तो सीओ, वहां के सीओ को, वहां के थानाध्यक्ष को, वहां के एसडीएम को, वहां के तहसीलदार को, वहां के डीएम और एसएसपी को बनाना चाहिए। सबसे बड़े गुनाहगार ये हैं कि समय पर इन्होंने जांच पड़ताल ठीक ठाक नहीं की, जिससे समाज में इस तरह से, और पूरे उत्तर प्रदेश में अभी डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हो गई है, ठाकुरों ने की है, ग्रिल मशीन से खोद खोद कर करके पूरा ग्रिलिंग कर दिया आदमी के शरीर में, उनकी हत्या हुई है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाहेंगे? और तमाम जगह एक आईपीएस अफसर फरार है, आज तक यूपी पुलिस पकड़ी नहीं पाई। यादव परिवार ने सीधा आरोप लगाया है कि उनके जो दुबे जी के जो बेटे हैं उन्होंने हत्या की है, आप किस तरीके से कहते हैं? आप बताइए, इतना बड़ा बेटा हत्या कर सकता है? आई एक बेटा तो पहले ही यहाँ रहता ही था गांव। वो झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, वो वहीं थे इस समय, बताया जा रहा है। अच्छा, वो देवरिया था, उसकी बहन अपने घर थी, तो ये बताइए कैसे हम मान लें देवरिया वाले, वहाँ से देवरिया की दूरी काफी है, और छोटे बच्चे कैसे हत्या कर सकते हैं भैया? आप मुझे बता दीजिए, ये सब तीसरे ने शिकार खेला है। आप इनका ड्राइवर पकड़ा गया गोली वोली चलाते हुए, मिश्रा जी वो तो यादव नहीं है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों से, पूर्वांचल वासियों से अनुरोध करूंगा कि जो भाजपा नफरत की खेती कर रही है, नफरत का बीज आरोपण कर रही है, इससे आप लोग सावधान रहें, समाज में आपसी भाईचारा को बरकरार रखें, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दें। कभी हिंदू को, आप ही बताइए मोनू माने सर, ये क्या है, ओबीसी नहीं है? और कौन ये जो एक और गिरफ्तार हुआ है उसका क्या नाम है, बिट्टू बजरंगी, ये बताइए ओबीसी है? आरएसएस ओबीसी के बच्चों को हाथ में हथियार, तलवार, बंदूक दे देती है, ये बताइए आरएसएस और बीजेपी या बजरंग दल में? अखिलेश यादव तो माहौल खराब करके आए हैं वहाँ पे। अखिलेश यादव ने जितना पुनीत कार्य किया है, हर नेताओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितने लोग राजनीति कर रहे हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सीख लेनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने दोनों परिवार को जाकर के आश्वासन दिया, दोनों परिवार की मदद करने का, और समाज में जो खाई बढ़ रही थी उसको पाटने का काम किया। उन्होंने अपने पिताजी और डॉक्टर लोहिया और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और पंडित नेहरू के सपनों को साकार करने का काम किया। नहीं, भाजपा तो आरोप लगा रही है कि आग में घी डालने का काम किया अखिलेश यादव ने। ये उनका जो है, पहले जब इससे पहले पंडित राहुल गांधी ने भेजा था, वहाँ इंसेफ्लाइसिस से मर रहे थे लोग, तो भी इसी तरीके का ये लोग बकवासबाजी कर रहे थे। उसके बाद जो वहाँ एम्स हुआ, यूपीए गवर्नमेंट ने वहाँ पैसा अलाट किया और अखिलेश जी ने जमीन अलाट किया, तो भी प्रोपेगंडा ही चला रहे थे। आप बता दीजिए कि देश में प्रोपेगंडा की मशीनरी तैयार किए हैं सब, अभी जान रहे हैं? अरे प्रोपेगंडा तो आप फैला रहे हैं, तमाम भाजपा आर एस से डर नहीं लगता? आप इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, जो कार्रवाई है उसको होने दीजिए, आराम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गोली मार देंगे, हत्यारों की पार्टी था,
आरएसएस और बीजेपी अपराध की नर्सरी है, ये मैं तब एक साथ कह रहा हूँ। तमाम ब्राह्मण परिवार जिस तरीके से ब्राह्मण समाज बुलडोजर की कार्रवाई प्रेम यादव पर चाहता है, आप भी चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसी का आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए, किसी के घर इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो चले गए चले गए, जो न्यायालय सजा देगा जिसको भी देगा वो देगा, लेकिन दोनों परिवारों की जो क्षति हुई है उसे हम और आप या कोई नेता पूरा नहीं कर सकता। किसी का बाप वापस नहीं आ सकता और किसी का परिवार वापस नहीं आ सकता। ये जो हुआ है इस घिनौने कुकृत का कि मैं निंदा करता हूँ, ये दोबारा समाज में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि इस तरह के अफवाहों से आप लोग दूर रहें। आरएसएस और बीजेपी इस तरह से समाज में नफरत का बीजारोपण कर रही है। आप भी तो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, पहले इंसान हूँ। आज ही बताइए कि फिलिस्तीन्स में के ऊपर जो इजराइल हमला कर रहा है, बच्चे और बूढ़े औरतों के ऊपर कहर बरपा रहा है, क्या ये जायज है? वो वही जो है हिंदुस्तान में भी लागू होता है, उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है। किसी के ऊपर किसी का आशियाना नहीं जोड़ना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए। नहीं, विश्व हिंदू परिषद है, करणी सेना है, वो कह रही है बुलडोजर चलना चाहिए अपराधियों पर। करणी सेना कौन सी है? चीटर फराडों की सेना है। अब विश्व हिंदू परिषद तो शुरू से ही नेशनल बंटवारे, भारत के बंटवारे का गुनहगार है, समझ रहे हैं? ये जो है अखिलेश यादव ने बड़ा पुनीत कार्य किया है, मैं उनको शुभकामनाओं से हार्दिक बधाई देता हूँ। तो आप मानते हैं यादव परिवार भी पीड़ित है? दोनों परिवार पीड़ित हैं, इन पे मरहम लगाने की जरूरत है, किसी को कुरेदने की जरूरत नहीं है। जो बीतना था, जो होना था, हो चुका। इसमें जो है मरहम लगा करके दोनों परिवारों की आर्थिक मदद करनी चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा, दोनों परिवारों के बच्चों की शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनती है, होनी चाहिए। नहीं, सुलभ मरण त्रिपाठी जो है वहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो भी तो आग भड़काने की काम कर रहे हैं। वो तो हैवान है, ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, सनातनी ब्राह्मण समाज के लिए ऐसे लोग कलंक होते हैं। ब्राह्मण की यह परिभाषा नहीं होती है। कृष्ण सुदामा की मित्रता का ध्यान रखिए, कम से कम उस मित्रता की मिसाल दी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये गुनाह है, इसे ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। गुनाह कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है गुनाह? बीजेपी आरएसएस करवा रही है। आरएसएस के लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें करते हैं। समझ रहे? क्या कहना चाहेंगे घटना के, पूरी घटना पर क्या कहेंगे आप? मैं पूरी घटना पे खेद व्यक्त करता हूँ। दोबारा समाज में, मानव समाज में, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी के बारे में एक बार और बता दीजिए, जिस प्रकार से घटना में शामिल हुए। वो गए हैं, उन्होंने समाजवाद, सेक्युलरिज्म, जो पंडित नेहरू का सेक्युलरिज्म था, जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का सेक्युलरिज्म था, जो शास्त्री जी का सेक्युलरिज्म था, जो स्वतंत्रता आंदोलन का सेक्युलरिज्म था, जो उनको अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी के से प्राप्त हुई थी, उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया है। यही एक इंसान, एक मानव का कर्तव्य होता है, यही पढ़े लिखे और विद्वान की पहचान होती है।